नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है। काफ़ी समय से EWS कैटेगरी के बारे में बात हो रही थी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके लिए 10,000 जितने सीट इंक्रीज कर दी गई है। लेकिन इस वीडियो में मुझे जो आपके साथ शेयर करनी है वह सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप EWS के लिए एलिजिबल हो तो आपको उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा EWS कैटेगरी के लिए नीट 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस में। तो यह काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यह नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया है कि अगर आप EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो उसमें आपको आगे क्या प्रोसीजर करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है EWS कैटेगरी इस साल से इम्प्लीमेंट जरूर होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को यह डाउट था कि क्या EWS इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि EWS कैटेगरी जो है वह इस साल से इम्प्लीमेंट होगा। 10% रिजर्वेशन रहेगा, 10% सीट इंक्रीज की जाएगी। I am directed to refer to email dated 22/3/2019 on the subject mentioned above and to say that the reservation for EWS shall be applied to NEET subject to the condition as mentioned in the ministry letter. Further, the qualification percentile for EWS category is 50% and hence there is no need to make any change in online application form or provide special merit list for EWS category. The candidate of EWS category may indicate their category at the time of registration for counseling. तो यहाँ पर उन्होंने यह लिखा है कि आपको ऐसा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जब ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगा तब आपको वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको बस मेंशन करना है कि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसके हिसाब से आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ध्यान रखिए, EWS कैटेगरी के लिए कोई सेपरेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पर लिखा है 50% दोनों के क्वालिफिकेशन स्कोर है और आपको बताना है कि आप EWS कैटेगरी के हो और यह कब है जब आप काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट का यह छोटा सा प्रोसेस है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, आप दबा दीजिए। धन्यवाद।